पहला दिन हमारा क्रूज का, दूसरा दिन, पहली सुबह और सुबह उठते उठते ऐसे नजारे आए हैं, मजेदार हवा बस चल रही है। हाँ, और बस अभी हम उठे हैं, बाहर के नज़ारे ले लिए हमने, बैठ के सीधा यहीं बैठे आके, और अब हम चल रहे हैं अपना खाने पीने के लिए। मम्मी कैसे? हाँ जी, सही नहीं लगी? बहुत बढ़िया, मस्त आई। हाँ, बस बीच में एक बार थी, वॉशरूम जाना था, फिर जब उठी ना तो जब लेटी लगा हल्के हल्के झूले दे रहा है कोई ऐसे भाई खा रही है ब्रेड पे लगा के हैश ब्राउन, आई मीन वही आलू, सामने फ्रूट्स और कॉफी। मैंने जो मिला उठा लिया। अपना भी यही है। यहाँ पे ना अगर आपको अपने हिसाब से ऑमलेट बनवाना है उसकी बहुत लंबी लाइन थी यहाँ पे, इसलिए हम लगे नहीं तो बनवा लेते सारे। बट आज हम लोग ना इनका वो स्पेशलिटी ब्रेकफास्ट ट्राई कर सकते थे ना? कर सकते थे पर टाइम निकल गया, वो सुबह सुबह था, अर्ली मॉर्निंग, हम उठे ही 9 बजे। हाँ चलो, कोई नहीं, जो है अभी ये खाते हैं उसके बाद फिर देखेंगे, चलता रहे कुछ ना कुछ पूरा दिन। एटलीस्ट इनका बुफे पूरा दिन खुला रहता है, ताकि थोड़ा जो स्पेशलिटी इनके रेस्टोरेंट्स है वो उनके कुछ फिक्स टाइमिंग है, वो भी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। बाकी इनका आज का पूरा दिन हम सी पे हैं, तो इनका आज का स्केड्यूल आ गया है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है आज पूरा दिन, तो उनमें से कुछ चीज़ें हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे और वहाँ चलेंगे। बट खाना खाने के बाद बताते हैं सर। ये डेली प्लानर, हर दिन का क्या क्या स्केड्यूल होता है ये सारा आपको एक दिन पहले ही मिल जाता है, तो आप प्लान कर सकते हो कि क्या करना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं, कि जैसे हेयर एंड मेकअप वर्कशॉप होनी है, ठीक है, पिंग पोंग टूर्नामेंट हो गया, या फिर बास्केटबॉल फ्री थ्रो, ठीक है, कोई डांस क्लासेस होगी, ट्रिविया हो गया, ठीक है, लॉटरी होगी और स्पेशल आज इनका, आज जब सी डे होता है ना उस दिन फॉर्मल, मतलब इनका स्पेशल दिन होता है कि क्योंकि उस दिन बाहर नहीं जाना होता तो कोई एक्सकर्शंस नहीं होती, तो उस दिन इनका स्पेशल डिनर होता है, गाला नाइट होती है। आज है अपना सेकंड डे विच इज सी डे, तो आज है गाला नाइट, और उसमें कहते हैं कि एलिगेंट कपड़े पहन के जाने हैं, कोई जीन्स टी शर्ट नहीं पहननी, शॉर्ट्स नहीं पहननी, अच्छा। फ्लिप फ्लॉप चप्पलें नहीं पहन के जानी, प्रॉपर अपना स्टिक सूडो सूट पहनो, टाई पहनो, इवनिंग गाउन पहनो, कॉकटेल ड्रेसेस पहनो, ऐसे पहन के जाना है। आज है हमारा गाला नाइट जो कि शाम को होगी 8:15। और ऐसा होता है कि कुछ जो क्रूज शिप्स होती हैं, क्रूज कंपनीज होती हैं, वो उनका काफ़ी हार्ड कोर होता है कि बिल्कुल ही फॉर्मल पहन के आना, पर इस वाले पे इतना हार्ड कोर नहीं है, कहते हैं थोड़ा रिलैक्स्ड हैं, कहते हैं अगर आपको लगता है कि आप एलिगेंट लगते हो खाली एक पोलो टी शर्ट एक जीन में, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। है बट ये बेसिकली मेनली उस एरिया के लिए, जैसे स्पेशलिटी डाइनिंग रेस्टोरेंट हो गए उनके लिए। सो बस हमने ये इनमें से आज अपने डेली प्लानर में से कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है कि क्या करेंगे। अभी हो रहा है एक मेगा बिंगो, वहाँ चलते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम पानी में चलेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं अगला कौन सा इनका किंग ऑफ द सी गेम, कोई छोटी मोटी गेम्स हो रही थी वो देखते हैं, बट सबसे पहले बिंगो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो, हमने अपने पूल टावल सारा कुछ रख लिया, इसके बाद हम सीधा जाएंगे पूल में। चल तो फिर आज की हमारी जो पहली एक्टिविटी है वो है डांस क्लास, ये हो रही है 18वें डेक पे, और जब हम यहाँ पहुँचे यहाँ पे ऑलरेडी खूब सारी जनता लगी हुई थी डांस सीखने में, ये जो दो इंस्ट्रक्टर हैं ऐसे खा रहे हैं, हमने भी 2-3 ठुमके लगाए और कोशिश करी सीखने की, बट हम ऑलरेडी इतने अच्छे डांसर हैं। अभी हम जहाँ पे गए थे, अभी जहाँ पे वो डांस क्लास चल रही थी, वो था शिप के बैक साइड पे, हम थे शिप के, जो हमारा रूम है वो शिप के फ्रंट साइड पे है,
तो वहां से यहाँ तक आते आते 10 मिनट हो गए। मॉर्निंग वहीं पे करा दी हमने। हम लोग वापस आ गए, हम लोग चश्मे भूल गए थे, बात धूप तेज है इसलिए चश्मे लेने आए हैं। मम्मी के स्पेशल ग्लासेस, मम्मी के पास दो दो डिफरेंट स्टाइल वाले, आज कहती मैं दूसरे निकालूंगी। मेरा भी फड़ा दो, तो ये है ना, ये धूप बहुत है ना, ये देख क्या हो गया। और आज की दूसरी एक्टिविटी है बेली फ्लॉप गेम, और ये जा रहे हैं सारे उसके कंटेंडर, और सबसे पीछे मैं। बेली फ्लॉप गेम है क्या? कहते हैं पानी में कूदना पेट के बल, और जो सबसे बढ़िया कूदेगा पेट के बल उसको एक ग्लास एक बॉटल शैंपेन मिलेगी। Full sides. We are just about ready to start our Belly Flop competition. Everybody be ready to have a great time. Then Johnny Bravo gonna jump. Johnny Bravo ready? Master, here we go. Let's do a Johnny Bravo in demonstration. All right, everybody ready? Let's do the countdown. Here we go. One, three, Belly Flop. और फिर एक एक करके सभी कंटेंडेंट्स ने अपना जलवा दिखाया, और फिर अंत में आई मेरी बारी। तो एक गेम में एक बंदा ना 4.7 पॉइंट्स आए थे 5 में से, मेरे 3.2 समथिंग ही आए, तो मेरे को लगा कोई फायदा नहीं आ गया रुकने का, चलते हैं अगली जगह पे। प्राइस तो मिलना नहीं, प्राइस हमें चाहिए भी नहीं था वैसे भी, शायद पेन थी हमने उसी पीनी थी। अब चले आप अगले वाले पूल में। यहाँ पे हम माइक वाइक लेके नहीं आए, यहाँ पे हवा क्या होगी, बहुत आवाज़ आ रही होगी और वैसे ही बहुत शोर आ रहा होगा पानी पूरी का, तो मैं क्या थोड़ा वैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आवाज़ ठीक नहीं होगी, मैं क्या वैसे ही दिखाते हैं कि कहाँ बैठे हैं। हम बैठे हैं जकूसी में, जकूसी में बैठे हैं, मम्मी अपना मजे ले रही है, रिलैक्स करिए, चल मार रही है क्योंकि मम्मी अभी चल चल के बहुत थक चुकी है, सो शी इज़ रिलैक्सिंग नाउ, हम भी रिलैक्स कर रहे हैं। ऊपर थोड़े बादल आ गए हैं तो थोड़ा धूप कम लग रही है, मौसम बढ़िया हो गया, हवा बहुत प्यारी है, ठंडी नहीं है। ओहो धूप आ गई, बादल हट गए। अच्छा वो चश्मे ले आए, तो ये पानी थोड़ा टाइम मजे लेके वापस आ गए। माता कैसा है? बड़े मजा आया और बड़े लंबे टाइम बाद मजा आया, क्योंकि कनाडा में तो जहाँ जाओ पानी में, वहाँ ब्लू माउंटेन पे गए थे, पानी होता वहाँ मजा आया, सोच के कि पानी में बैठेंगे पर ठंड इतनी हो गई थी और पानी इतना ठंडा नहीं जा पाए। आज यहाँ मौसम बढ़िया, पानी भी बढ़िया था और पानी प्रॉपर अपना नीचे अच्छे एक और एरिया है जंगल, जंगल लाउंज, जंगल यहाँ पे भी पूल है, दो चार छोटे छोटे पूल है, यहाँ पे चेयर्स लगी हुई है, आराम से बैठ के लोग अपने ड्रिंक्स ले रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। इस साइड भी ओशन फ्रंट पे बेसिकली यहाँ पे हरियाली कर रखी है, खूब सारी बिल्कुल जंगल वाली फील आती है, ऐसा लगता है जंगल में बैठे हो। और यहाँ पे जो भी इनके पूल्स हैं ना, हर पूल के आसपास उन्होंने बना रखे हैं छोटे मोटे बार, जैसे ये एक बार है, ये बार जंगल पूल ना हो जाए उसके साथ में ये वाला बार है, ऐसे ही ऊपर भी जहाँ पे हम गए थे पहले वहाँ भी ऊपर डेक पे के साथ बार बने हुए।
perreamos todo el día, cae. Y tráete una amiga, cae, cae. Baby, haceme el baile, baila mía, yeah. Es que todas se la dan. Mada. Sali, wo to jab zameen hai, dekh. Wo kya hai? Wo ja na. पीछे पहाड़ियाँ दिख रही हैं जो भी लैंड दिख रहा है वो दैट इज क्यूबा है क्यूबा या दैट इज क्यूबा हम क्यूबा क्यों नहीं जा रहे क्योंकि क्यूबा हमारे रूप में नहीं है रूप में नहीं है वरना फिर वो पास में है मम्मी इन्हें भी पास नहीं है मम्मी मम्मी ऐसे देख लो बोल रहे ना क्यूबा देख के आई हूँ दिख तो गए बोल रहे क्यूबा भी बस देख के आई हूँ ये बताइए जो थोड़ी है कि कहते हैं प्रॉपर घूम के आयो देख के आई हूँ बट सनी के नजारे हैं व्यू है साथ में आइसक्रीम है साथ में मम्मी है सनी के बजे दो मिक्स कर दूंगा अब आगे का प्लान अभी थोड़े करते हैं आराम फिर शाम का प्लान देखते हैं फिर उठ के देखते हैं तैयार तैयार होकर क्या करना है शाम को क्या भी होना पड़ेगा या गला नाइट Mommy, dikhao, please look. It's sexy, mama. Ye le. Kitne time baad? Kitne time baad? Saari pehni hai. Okay. Achhi lagi hai. India gayi thi, to ek baar pehni. Main bhi pehnungi yehi wali. Haan, pehenna. Kahan hai Sunny? Andar hai abhi. उसके अलावा एक जो एट्रियम एरिया है जहाँ पे आज जो कैप्टन है वो कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे या फिर जो भी बताएंगे कंपनी के बारे में या फिर अपने क्रू के बारे में वो उस एरिया में कोई शैंपेन टोस्ट होना है तो उसके लिए भी उस एरिया में भी आज फॉर्मल्स ही अलाउड है हमें जाना है नंबर 5 यहाँ पे हाँ तो उस एरिया में जाने के लिए हमें फॉर्मल चाहिए तो बस इसलिए हम ऐसे रेडी हुए हैं आज तो फिर हम अपना रेडी वेडी होके पहुंचे एट्रियम में जहां पे हमने अटेंड किया कैप्टन का टोस्ट बस उसके बाद फिर हम पहुंचे सीधा अपने रेस्टोरेंट हर बंदे को शिप पे ये कार्ड मिलता है इस पे लिखा होता है कि आपका कौन सा रेस्टोरेंट है और उसकी टाइमिंग लिखी होती है रेस्टोरेंट जैसे इस वाला है सेंट्रल पार्क और हमारी टाइमिंग थी 5:15 की क्योंकि हमने अर्ली डाइनिंग रिक्वेस्ट करी थी अर्ली डाइनिंग 5:30 से 7:30 तक और जो लेट डाइनिंग वो आई गेस 8:30 से 9:30 तक थी कुछ ऐसे था तो हमने अर्ली रिक्वेस्ट करी थी और ये हम अब 5:15 तो हुए नहीं अभी तो 7:30 हो गए तो हमने कहा कि अभी हमें जाने दो कहते हैं चलो ठीक है चले जाओ अंदर तो यहाँ पे अब फूड करते हैं ऑर्डर एंड लेट्स सी और मम्मी बड़े सोने लग रहे हैं बस आप भी बताओ कमेंट्स में मम्मी अच्छे लग रहे हैं ना तुम्हें अच्छा लगना चाहिए टोटा सास है मेरी टोटा सास हैशटैग टोटा सास कहाँ की सैर कर रहे हो पेरिस की सैर कर रहे हो हाँ जी हम जा रहे हैं ग्रेट कैस्पी डांस कंपटीशन हो रहा है लेट्स सी
थक गए बहुत ज़्यादा पेरिस घूम के ना, हमने पूरा हॉट एयर बैलून पे थक चुके हैं अब, बहुत ज़्यादा हो गया है, नाच लिए, खा लिया, डांस कंपटीशन देख लिया, डांस भी कर लिया, डांस भी कर लिया, बताओ और बताओ। डांस कंपटीशन में वो एंट्री सुबह ही हो चुकी थी तो इसलिए हम हिस्सा नहीं ले सके, बट चलता रहता है, रोज चलता है, किसी और दिन हम तो जीत ही जाते हैं, हमें कैमरा बाकी वो चांस देते हैं, किसी और दिन कर लेंगे। उसके बाद हमने डांस भी कर लिया, वहाँ क्या बन गया था अपना डांस क्लब बना दिया था बाद में, टीचर नाइट, मम्मी भी डांस करके आई है। और अब सोचा तो था बाहर थोड़ी शिप एक्सप्लोर करते हैं, बट पर अब यहाँ पे शिप पे रात के बज चुके हैं 11:30 और कल ये शिप रुकेगी जमैका में और उसके बाद वहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करेंगे, कल का फिलहाल ये प्लान है। तो इसलिए अब आज करते हैं आराम, सोते हैं टाइम से, फिर सुबह उठेंगे जल्दी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम समवेयर समवेयर बाय बाय।